ट्रीट होगा। आपने देखा ना कितनी गंदी हरकतें आपने उस वीडियो में कर रखी लड़की के साथ। अरे भाई साहब मैं गरीब बंदा हूँ, मैंने 50,000 रुपए इतने मुश्किल से दे दिए, बताओ मैं 20,000 रुपए और कहाँ से लाऊं। देख बेटा ये तो मेरे को करने पड़ेंगे, अगर वीडियो डिलीट करवाना है नहीं तो फिर यहाँ से वीडियो वायरल कर देंगे, फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा, फिर हमें एक मिनट आप मेरे बड़े भाई से बात करिए, वही पैसे का जुगाड़ करा सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ भाई कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ, फेसबुक से मैनेजर बात कर रहा हूँ मैं, और इन्होंने जो है इनको बोलो 20,000 रुपये और ट्रांसफर करेंगे तब इनका वीडियो डिलीट होगा, नहीं तो वो वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो फिर इनकी जो है वायरल हो जाएगा वीडियो। वो कैसी वीडियो है, इसने कितनी गंदी गंदी हरकतें करी उस लड़की के साथ वीडियो कॉल में, आपको नहीं पता क्या? देख इससे पूछो, इससे बताएगा ये सब। हाँ भाई मैंने तो कुछ नहीं करा उस लड़की का, मेरे पास वीडियो कॉल आया था, मैंने तो बस उठाई थी वीडियो कॉल। जी ये तो कह रहा है कि इसने कुछ नहीं करा, लड़की ने किया है सब कुछ, उसका फोन आया था। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी आपको देखो स्क्रीनशॉट भेजता हूँ और उस स्क्रीनशॉट में सबको आपको दिखाई देगा किस तरीके से ये जो है एक लड़की का मेरे पास वीडियो कॉल आया था, मैंने बस उठाया था, और लड़की कौन थी मुझे कुछ नहीं पता। अब ये वीडियो डिलीट करवाना है तो देखो इसको बोलो 20,000 को डालेगा, नहीं तो हम यहाँ से वीडियो फिर पब्लिक कर रहे हैं और फिर हमें मत कहना भाई, हमारे हाथ में नहीं रहेगा फिर ये भाई साहब। अभी हमारे पास ये वीडियो प्राइवेट आया फेसबुक पे। हाँ इसमें तो ये कोई प्रूफ है ही नहीं कि इसने कुछ गलती करी है या इसने उसे करने को बोला है, इसमें तो ये दिख रहा है बस कि हाँ भाई इसने एक कॉल उठाई है, उस पर एक लड़की जो भी अपनी गलत कर रही है, इसका तो कुछ प्रूफ ही नहीं है ना कि इसने कहा कि भाई। कोई बात नहीं फिर, कोई बात नहीं फिर, चाहे तो वीडियो पब्लिक हम कर देते हैं फेसबुक पे, वायरल हो जाएगा वीडियो, उसके बाद फिर हमें मत लेना कि क्या नाम है, ये हटा दो या ये कर दो, क्योंकि अभी ये वीडियो प्राइवेट आया अभी हमारे पास फेसबुक पे। अच्छा ऐसे कैसे वायरल हो जाएगा भाई, वीडियो पब्लिक हो जाएगा गंदी, इसने वीडियो करके हरकतें करके सारे इसके फ्रेंड्स देखेंगे और अपना भी वायरल हो जाएगा वो, क्योंकि इसने हरकतें ऐसी करके वीडियो के अंदर। अच्छा तो भाई तेरा कोई बड़ा अफसर होगा फेसबुक में, उससे बात करवा दे। नहीं मैं फेसबुक से खुद डायरेक्ट मैनेजर बात कर रहा हूँ और वीडियो डिलीट हो जाएगा अगर ये 20,000 रुपये डाल देगा तो। किस चीज़ का मैनेजर है? फेसबुक से मैनेजर बात कर रहा हूँ, मैंने बताया तो फेसबुक में किसी चीज़ का तो मैनेजर होगा भाई, काफ़ी तरीके के मैनेजर हो गए हैं, काफ़ी तरीके की चीज़ें मैनेज करनी हो गए फेसबुक में तो। मैं जोनल मैनेजर हूँ, मैंने बताया तो आपको। अच्छा हाँ, तो ये 20,000 रुपए का अगर ये अरेंज करके डाल देगा तो फेसबुक पे हम वीडियो वायरल नहीं करेंगे, नहीं तो इसका वीडियो पब्लिक हो जाएगा फिर वो वायरल हो जाएगा, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा और जो इसने 50,000 रुपए भेज दिए पहले उनका क्या? कोई बात नहीं, वो 50,000 रुपए ये लास्ट टाइम है, इसको 20,000 रुपए अभी और लगेंगे वीडियो डिलीट कराने के लिए, क्योंकि इसने वीडियो में गंदी ज्यादा हरकतें कर रखी, इसलिए इसके 20,000 रुपए लग रहे, नहीं तो पहले ही हो जाता वो वीडियो डिलीट। 20,000 तो मोर कहां से लाऊं, 50,000 रुपए इतनी मुश्किल से दिए थे मैंने। 50,000 देने पे जब आपने डिलीट नहीं करी तो अब ये 20,000 दे देगा, उसमें क्या प्रूफ है कि आप डिलीट कर दोगे? मैं बता तो रहा हूँ, मैं खुद फेसबुक से जोनल मैनेजर बात कर रहा हूँ, अर्जुन सिंह राठौर मेरा नाम है, और 20,000 रुपए ट्रांसफर करेगा तो तुरंत इसका वीडियो यहाँ से हम जो है हर जगह से डिलीट करवा देंगे, तो फेसबुक यूट्यूब अपने आप वायरल हो जाएगा पब्लिक करके। ठीक है भाई तू इस थाने में आ जा और थाने में आ जा पैसे ले जा अपने, ठीक है? कौन बात कर रहे हो भाई? मैं थाने तक बोल रहा ऐसा ही, और तेरे जिसे रोज रोज मिले हमें जाए। कोई बात नहीं देख लेंगे भाई, तेरे को भी कोई बात नहीं, रख दे फोन, नहीं वीडियो करना ना, कोई बात नहीं, अभी हम वीडियो पब्लिक कर रहे हैं, जितने पैसे चाहेंगे थाने में आके ले जा अपने। रख दो फोन रख दो, ठीक है? ठीक है। तो देखा साथियों कैसे उस स्कैमर ने इससे 50,000 रुपये तो ठग लिए पहले, और बाद में 20,000 रुपये और ठगने की कोशिश की, परंतु इसने उस वक्त अपनी सूझबूझ से काम लिया और हमारे पास आकर एक अच्छा काम किया। आए दिन दोस्तों हमारे पास ऐसी कॉल्स आती रहती हैं, ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि जो अभी स्टूडेंट फेज़ में है, जो युवा, उनको फंसाया जाता है इन स्कैम्स में, क्योंकि वो जल्दी घबरा जाते हैं और घबराहट में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं होते। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस भाई ने अपने 50,000 रुपये गवा दिए, इसके माता पिता की जो मेहनत की कमाई से जो 50,000 रुपये इकट्ठे किए थे वो अब एक स्कैमर के हाथों जा चुके हैं, एक गलत हाथ में जा चुके हैं, जिसका वो ना जाने किस तरीके से और गलत फ़ायदा उठाएगा। तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई ऐसा कॉल आए जिसमें आपको लगे कि ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है या स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, आप उससे बिल्कुल ना घबराएं और सीधा अपने नज़दीकी थाने में जाएं और जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, वहाँ के पुलिस सहकर्मी आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी युवा हैं उन तक पहुँचाएं, ताकि वो इसके जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं और पुलिस की सहायता